सर क्या प्रॉब्लम है अभी? मैम ये बताओ डिले लगा हुआ है, जैसे कोई है डिले, पुलिस बस के लिए बस ट्रांसपोर्ट सीट पे है आप बोल रहे हैं। हां तो ऐसे अभी तो बट हमें बोल रहे हैं कि यार मुंबई में स्पाइस जेट के विमान को खराब मौसम के चलते अपनी दिशा में परिवर्तन करना पड़ा। स्पाइस जेट का विमान ECG-993 जिसने दिल्ली से शिरडी के लिए उड़ान भरी थी उसे खराब मौसम के चलते मुंबई लैंड कराना पड़ा। विमान में यात्रा कर रहे यात्रियों को जमीन के रास्ते मुंबई से शिरडी भेजा गया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वहीं दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट के विमान की उड़ान में 7 घंटे की देरी से यात्रियों को काफी मुश्किल हुई। स्पाइस जेट के विमान ACG-8184 को शाम 5:40 पर उड़ान भरनी थी और 7:35 में दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन विमान ने रात 12:25 को उड़ान भरी और 2:20 को दिल्ली लैंड हुई। एयरलाइंस का दावा है कि उन्होंने यात्रियों को इस देरी की पूर्व में ही सूचना दे दी थी, जबकि यात्रियों ने एयरलाइंस के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें काफी दिक्कत हुई। उन्हें इस देरी के दौरान कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया गया। एयरलाइंस ने इन आरोपों को खारिज किया। यात्रियों को काफी देर तक मुंबई एयरपोर्ट पर बैठना पड़ा जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट कर्मचारियों ने इसके बाद यात्रियों को बस से जाने की व्यवस्था की। शिरडी में जाने के लिए अक्सर यात्रियों की काफी भीड़ होती है, इसलिए फ्लाइट भी खचाखच भरे रहते हैं। एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई है कि अब शिरडी में नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।